नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। अब हम लोग देखेंगे स्प्लिट एसिंग जो गैस बैक करने का प्रोसेस है, सही प्रोसेस क्या और गैस बैक किस तरीके से किया जाता है। फिर उसके बाद सेल्फ वैक्यूम किस तरह, जैसे नया ऐसे कभी आप लगाते हैं उसमें आउटडोर में पहले से गैस लॉक किया जाता है, पंप डाउन उसी को बोलते हैं, गैस बैक भी और गैस स्टोर भी, किस तरीके से किया जाता है वो चीज सिस्टम हम लोग इसमें समझेंगे। मेन जो है इसमें गैस बैक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप कभी भी आप जब भी गैस बैक करेंगे या फिर गैस स्टोर करेंगे, गैस बैक, गैस स्टोर या फिर पंप डाउन या फिर गैस लॉक, इस सब का मतलब हो कि जो भी इंडोर में गैस है वो सारा गैस को लेकर आउटडोर में बंद कर देना, कंडेंसर कॉइल में स्टोर कर देना, ये अच्छे को लेकर गैस बैक कर देना। अब इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन सप्लाई देगा क्या चीज़ करना, चालू करेंगे 3 मिनट बाद में आ जाएगा कि आउटडोर चालू होगा। आउटडोर चालू होने के बाद उसमें क्या होगा, जब आउटडोर चलेगा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीटर यहाँ पर लेंगे, मीटर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे मेन सिस्टम के साथ में। मेन क्या करेंगे उसको, सिस्टम को साथ, हाँ, एक चार्जिंग पाइप के साथ में उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग बंद रखेंगे मीटर को, यहाँ से इसको बंद रखेंगे और ये मेरा मेन मीटर के सामने वाला पाइप कहाँ रहेगा, मेन सिस्टम में, और ए सी आपका चालू रहेगा। सबसे पहले गैस का प्रेशर चेक करना है, इससे भी पहले आपको बंद में चेक करना, ब्लाइंड देने से पहले स्टैंडिंग प्रेशर चेक कर लेना। किस लिए चेक करते हैं स्टैंडिंग प्रेशर, नाइट्रोजन है या फिर रेफ्रिजरेंट, ये पता करने के लिए स्टैंडिंग प्रेशर चेक करना जरूरी रहता है। और उसमें रहता क्या चाहिए, अगर नाइट्रोजन भरा, जैसे मैंने प्रेशर चेक किया, अभी मैंने यहाँ पे करते हैं 150 PSI आ गया, 110 PSI आ गया, हम लोग कुछ गैस रिलीज करेंगे और फिर बंद करेंगे, जितना कम किया उतना पर रुक गया, तो नाइट्रोजन है, अगर फिर से दोबारा जैसे 150 था, कम करने के बाद फिर से दोबारा 150 पर पहुंच गया, इसका मतलब रेफ्रिजरेंट भरा हुआ, जो गैस में भरा था वो गैस ना भरा हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि मेन जैसे हम लोग मीटर लगाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बंद रखेंगे ताकि अगले वाला बंद रहे, खुले नहीं, गैस निकले नहीं। मानिए यहाँ पर क्या चाहिए कि यहाँ पर शो कर रहा है 110 PSI दिख रहा है, अब इसको हम गैस बैक करना चालू किए हुए, तो सबसे पहले हम लोग किसको लॉक करना, इसमें क्या करेंगे, डिस्चार्ज लेने सबसे पहले हम लोग लॉक करना इसको, जब हम लोग बंद करेंगे सामने वाला ये मुंह बंद हो जाता, क्लियर, जब ये मुंह बंद हो जाएगा तो डिस्चार्ज क्या होता है, यहाँ से गैस निकलता है, यहाँ से गैस निकलता है और इंडोर में जाता है, इंडोर में ठंडा करने के बाद वहां से जो लिक्विड में जाता है वो मेरा वेपर फॉर्म आता है, वेपर फॉर्म आएगा तो मेरा कहां चल जाएगा, फिर से वो सेक्शन 9 में हम लोग टाइमिंग के अनुसार अगर देखते हैं तो नॉर्मली 1.5 से 2 मिनट में सारा गैस बैक हो जाता, 1 से 2 मिनट के अंदर सारा गैस बैक हो जाता। अगर मीटर सही प्रोसेस क्या है, आपको क्लैंप मीटर भी लगाना, क्लैंप मीटर भी लगा रखना है और ये कंपाउंड का मीटर भी लगाना जो मेरा माइनस में कटा जाए, और यहाँ पर टेम्परेचर भी दोनों पाइप पर देखना कितना, जब गैस बैक होगा 1.5 मिनट जब हो जाएगा आप देखेंगे मीटर की सुई 110 PSI पर जो बैक प्रेशर था जिस समय वो मीटर सुई मानिए यहाँ से 0 है, इधर प्लस में है इधर माइनस में है, तो माइनस जब 30 पहुंच जाएगा ना, माइनस 0 से माइनस में जाना चालू हो जाएगा, समझ लीजिए गैस बैक हो चुका, 0 चकने काटा मेरा माइनस में जाना चालू हो जाएगा, समझ लीजिए गैस बैक हो चुका ये चीज। अब -25 में चल गया, गैस बैक हो चुका, हम लोग क्या करें, टेम्परेचर जब देखिएगा आप लोग तो दोनों पाइप पर टेम्परेचर भी आपको समान मतलब है, यानी नॉर्मल हो जाएगा, पहले बोझ ना होगा, जब आप गैस बैक करेंगे उसमें नॉर्मल हो जाएगा और एम्पियर भी आपको मिनिमम एम्पियर पर आ जाएगा, गैस रहेगा ना, लोड रहेगा नहीं, तो मिनिमम एम्पियर पर आ जाएगा और प्रेशर आपका, यानी कि रिटर्निंग जब गैस आएगा नहीं, एक सारा गैस यहाँ से निकलना तो बंद हो गया, जिसमें हमने यहाँ पर बंद किया, इसका मतलब क्या हुआ, गैस निकलना बंद हो गया मगर गैस अभी तक ये खींच ही रहा, अपना आउटडोर के कंडेंसर कॉइल में स्टोर कर रहा, मगर जमा कब होगा, पूरा पूरा गैस कब खींचेगा, जब हमारा मीटर में 0 पर जाना चालू हो जाएगा, माइनस में जाना चालू हो जाएगा, इसे क्या पता चलेगा, अब गैस नहीं है अंदर, ठीक है, इधर खींचना बंद कर देगा, गैस है या नहीं, हम लोग यहाँ पर बंद करेंगे, अब गैस को यहाँ से लॉक करेंगे, सेक्शन यहाँ पर क्या है, 4 नंबर और 5 नंबर एलन के यूज करते हैं, इसको जब टाइट करेंगे तो यहाँ से पूरा ब्लॉक हो जाएगा, जिस समय हम इसको बंद करेंगे उसमें अपना हेल्पर क्या करेंगे, उसको हम इंडोर के पास रखेंगे और हम खुद यहाँ पे आउटडोर के पास रहेंगे, उसको क्या करेंगे, फोन करेंगे डायरेक्ट लाइन पर रखना, और उसको डायरेक्ट देखेंगे हम लाइन देंगे, यानी कि देखेंगे यहाँ पर हम बंद किए एलन की, उसी क्षण उसको बोलना है कि यहाँ से पावर सप्लाई का लाइन को कट कर देने के लिए, इसलिए उसमें अगर लगाया जाएगा तो ना खींच पाएगा ना बेक पाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर पंपिंग लेस हो सकता है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, कंप्रेसर खराब हो सकता है,
ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नॉर्मली यदि टेम्परेचर जब 0 माइनस में चल जाए मीटर, उस समय आपको जिसमें सेक्शन लाइन बंद करेंगे, सेक्शन लाइन बंद करते ही उसी क्षण आपको इंडोर ग्लेयर करना चाहिए, यानी कि आउटडोर इंडोर दोनों बंद हो जाना चाहिए, प्लग को ही निकाल देना। ये तरीका होगा गैस पैक करने का। जब आप गैस छोड़ते हैं यानी सेल्फ वैक्यूम मतलब क्या हुआ, आउटडोर में गैस अभी भरा हुआ, दोनों एयर की बंद किया हुआ, अब इंडोर आउटडोर हम लोग कनेक्ट कर दिए पाइप के जरिए, गैस इंस्टॉल कर एसी इंस्टॉल कर दिए, अब दोबारा हमको इसको जैसे वैक्यूम मशीन है नहीं, अब इसमें 410 मिनट गैस मनी भरा हुआ, इसको अब वैक्यूम करना, वैक्यूम मशीन है नहीं, हम लोग सेल्फ वैक्यूम करते हैं। सेल्फ वैक्यूम किस तरीके से किया जाता है कि इसके गैस का प्रेशर उसके अंदर का एयर को बाहर निकालना, ये चीज होता है सेल्फ वैक्यूम। तो नॉर्मली सेल्फ वैक्यूम सबसे पहले क्या किया जाता है कि डिस्चार्ज पाइप को पहले खोला जाता है, यहाँ पर मीटर को हटा देना, मीटर को हटा देना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले इसको खोलेंगे और उसी समय इसको पिन को दबा के रखेंगे, जो चार्जिंग पिन वाले सेक्शन में लगा हुआ रहता है उसको हमको दबा के रखना। इससे क्या होगा कि यहाँ जो प्रेशर निकलेगा गैस के रेफ्रिजरेटर, यहाँ जब खोलेंगे एलन की, यहाँ जो रेफ्रिजरेटर का प्रेशर इधर निकलेगा वो सारा, यानी कि एयर का जो प्रेशर पहले से जो एयर भरा हुआ रहेगा उसमें अधिक प्रेशर बनाएगा, तो वो सारा प्रेशर क्या होगा जैसे रिटर्निंग मेरा यहाँ तक पहुंचेगा, ये मेरा बंद ही रहेगा, याद रखना ये मेरा बंद ही रहेगा, और इस पिन को दबा के रखना ताकि उधर से जो एयर का प्रेशर आएगा और रेफ्रिजरेंट का भी प्रेशर आएगा वो यहाँ से आते ही मतलब यहाँ से बाहर की ओर, हाँ बाहर की ओर वो मेरा रिलीज हो जाए, बाहर की ओर वो निकल जाए सारा गैस। यहाँ जब लगेगा कि नहीं रेफ्रिजरेंट आ रहा, कुछ ठंडापन लगेगा रेफ्रिजरेंट जब आएगा, एयर में ज्यादा लगेगा नहीं, मगर रेफ्रिजरेंट जब यहाँ पर निकलना चालू होगा तो लगेगा कुछ ठंडापन, आपको लगेगा नहीं मेरा एयर सारा बाहर निकल गया रेफ्रिजरेंट अब आ रहा, इसको छोड़ देना, अब गैस नहीं निकलेगा, इसको भी छोड़ देना, अब इसको धीरे धीरे आप यहाँ से खोलते जाएंगे, लीकेज चेक करते जाएंगे, फिर यहाँ से पूरा खोल देंगे, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, गैस खुल गया इंडोर आउटडोर में चला गया, ये हो गया सेल्फ वैक्यूम, यानी कि अंदर के एयर को प्रेशर के साथ बाहर निकाल देना, ये चीज सेल्फ वैक्यूम हो गया। मगर अगर वैक्यूम मशीन रहता कोई एकदम कंपल्सरी है वैक्यूम करके ही गैस छोड़े हुए सबसे बेहतर है। इसमें क्या करेंगे, मनी सेल्फ वैक्यूम हो गया, अब चालू करिए बैक प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर, बंद में स्टैंडिंग प्रेशर और चालू में बैक प्रेशर चेक कर लेना, इसे कंफर्म मालूम पड़ जाए कितना गैस है नहीं है और मसल वैक्यूम काम किया नहीं किया, चौके क्रोन तो नहीं है और ठंडा कर रहा है नहीं कर रहा है ना, इस सारा प्रोसेस आपको इस तरीके से मालूम पड़ जाएगा। आपको क्या है कि सेल वैक्यूम और पंप डाउन यानी गैस बैक कैसे किया जाता है इसी मालूम पड़ गया आपको, इससे आपको कंप्लीट हो जाएगा।